सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहां पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हमेशा कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमाटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले, जैसे मैंने आपको बताया
और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी चिकासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी अच्छी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी, हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शलार में होगी तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही
साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं। एंड इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अगर अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद फोटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कौशल, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं, 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं, और अब वह दोस्तों 3री ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी
खासी तारीफ की जा रही है, जिसमें तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस पर कहानी रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी, हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी, तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइस आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे दोस्तों, क्या हालचाल, आज किस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ
साथ साथ मैं आपको बता दूं इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला है और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कौशल, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं, और अब वह दोस्तों 3री ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी तारीफ की जा रही है, जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से,
एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है, और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है, और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं, और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया, एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने, और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है, यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में, और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है, और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है, और काफी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूं, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी, तो काफी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है, और आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी, और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली है और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइस आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज किस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं, और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में, तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला, और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों, 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में।
में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है, जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से, एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार कहानी रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको
हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी। हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्सपर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शलार में होगी। तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली है और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में, तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं। इसको डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ यहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी अच्छी खासी मूवी
हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है। एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने। और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए। 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर। काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं। एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं। तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या ऐसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है, जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है, और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है, और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है, और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं, और एक्सपर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का
काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफर के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शलार में होगी, तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में, तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हमेशा कह सकते हैं, को डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालाँकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने। और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए। 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर। काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छी खासी ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दूं दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं। तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी। हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्सपर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है।
दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी चकासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वे इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वे 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शलार में होगी, तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, को डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ यहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी अच्छी खासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अगर अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद फोटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है।
हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए। 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर। काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा YouTube पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छे खासे इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं। एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी के काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं। तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छे खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूँ 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है। और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट लेकर विदेश में घुसने की कहानी है। और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है। और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है, यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों
मूवी का मेन पार्ट है और जहां आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहां तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूं, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूं, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वे इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वे 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी। तो काफी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज, आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं। तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिए, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी की कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं। इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला है और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अगर अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमाटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है
हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए। 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छे खासे इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी के काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूँ 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है, जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर, काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखे हो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी, हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्स पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई
बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वे इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वे 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की सलार में होगी। तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं। तो अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिए, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं। इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद फोटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है।
हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए। 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छे खासे इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूँ 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों 3री ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ
न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूं, शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की सलार में होगी। तो काफी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं। तो अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिए, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहां पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी अच्छी खासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा, इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्की
विक्रम को सर ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको ये बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छे खासे इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी के काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं, 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों 3री ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतज़ार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है, जिन तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी, हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू
और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी। तो काफ़ी बेहतरीन शाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कौशल, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा YouTube पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है।
और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों, शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं। तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं, और यहाँ पर बता दूँ दो दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर, काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है, और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों, जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है, और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है, और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो उसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी। हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं, और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है, जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया, एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने, और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है, यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में, और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है, और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है, जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो 2 पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है, और काफी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूं शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए, जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी, तो काफी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है, और आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी, और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली है और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइस आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर
वो बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालाँकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कौशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपके लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद
पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं। तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूँ, 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में, तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है मूवी। हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ, न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो 2 पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की सलार में होगी, तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली है और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइस आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं
तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, को डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ यहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मानुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है, फिर क्या
कैसे रहता है वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं और यहाँ पर बता दूँ दो दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और इसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी 4 ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्सपर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शलार में होगी तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी दोस्तों इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में।
सो कैसे दोस्तों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहां पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हमेशा कह सकते हैं, को डंकी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज किया जाने वाला और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहां पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहां पर अमित रॉय द्वारा यहां पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूं 120 करोड़ के बजट में काफी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे क्या कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छी खासी ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दूं दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती है फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया।
और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी चिकासी हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी चिकासी तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कंफर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूं काफी ज्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्सपर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफर के बारे में और आपको दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वे इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। जी दोस्तों, डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी,
पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में, तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी खासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन मूवी, एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, एंड इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्टर करण राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं, एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहां पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला है, और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमाघरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ जहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी अच्छी खासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अगर अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद फोटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छी खासी ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती हैं फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं, और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले ही दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है, और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, 5 स्टार के रिव्यू मिले जैसे मैंने आपको बताया।
और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी चिकाची हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी चिकाची तारीफ की जा रही है। जिन्स तो काफी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कंफर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूं काफी ज्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो तो उसकी काफी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और एक्स पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा हुआ। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफर के बारे में और आपको एक दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वे इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी दोस्तों इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिए, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में। सो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे डंकी मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों डंकी मूवी को अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं इस मूवी को कैसे कहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे क्या ये मूवी रहेगी,
पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज की हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है। तो साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें डंकी मूवी के बारे में तो दोस्तों आने वाली शाहरुख खान की काफ़ी चिकासी मंच अवेटेड मूवी रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों साल 2023 की काफ़ी चिकासी बेहतरीन मूवी एक्शन कॉमेडी मूवी डंकी हम इसे कह सकते हैं, एंड इसको डंकी मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 में, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जो कि काफ़ी अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ इस मूवी को रिलीज़ किया जाने वाला है 21 दिसंबर 2023 को, जो कि दोस्तों सलार के अपोजिट यहाँ पर खड़ी रहने वाली है, जो कि आपको सलार भी 22 दिसंबर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सलार मूवी है आपके लिए 22 दिसंबर को देखने को मिल रही है, तो डंकी भी हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलने जा रही थी पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेट चेंज के बाद इसको पहले रिलीज़ किया जाने वाला है और आप इस मूवी को 21 दिसंबर से देखने वाले हैं। तो दिया दोस्तों 21 दिसंबर से डंकी आपको देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में, जो कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खासा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके नाम के पीछे भी लेकर काफ़ी अच्छी खासी सच्चाई है, जो कि डंकी जो टाइटल है इस मूवी का रखने के काफ़ी जो क्वेश्चन है जो शाहरुख खान से काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए थे कि इस जो टाइटल का मतलब क्या, तो होने वाले कुछ यहाँ पर कोड को लेकर यहाँ पर इसका नाम है डंकी रखा गया है, तो वो सब कुछ पर आधारित ये इस मूवी का टाइटल हो जाता है और काफ़ी चिकासी मूवी हो जाती है। बेशक आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी ड्यूरेशन कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बोरियत नहीं करेगी जहाँ तक अगर अभी अपडेट के हिसाब से माने तो। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और अमन पांत ने, और उसके बाद फोटोग्राफी का जो काम संभाला है वो मनुष नंदन, मुरलीधर और यहाँ पर अमित रॉय द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। बाकी आपके लिए बता दूँ 120 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छी खासी मूवी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है 3-4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए, 21 दिसंबर से आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, कुछ कहानी को लेकर कैसे गए कहानी रहेगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस मूवी के मैन कास्ट को लेकर कि इस मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन क्या देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बताना चाहूँगा इस मूवी के मैन कास्ट में आपको शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, सतीश शाह, बोमन ईरानी, जेरमी व्हीलर, क्रिस के, विक्रम कोशर, ऐसे जो करेक्टर्स हैं आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है इस मूवी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और आपको लिए बताना चाहूँगा यूट्यूब पर ऑफिशियली तरीके से काफ़ी अच्छी खासी इनके जो ड्रॉप्स हैं आउट हो चुके हैं, एक तरफ से ट्रेलर है और यहाँ पर उसके बहुत सारे सीन्स हैं आउट हो चुके हैं, जिस पर ये मूवी की काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप्स आउट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी किस टाइप की रहने वाली है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बेहतरीन मूवी रहने वाली है। तो इस टाइप से मूवी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है और यहां पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कुछ कहानी वगैरह को लेकर, कैसे क्या कहानी और कुछ अपडेट्स को लेकर, तो आपके लिए बता दो दोस्तों शाहरुख खान की डंकी काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सलार के अपोजिट खड़ी होगी, तो जहाँ तक है जितनी चर्चाएँ सलार को लेकर हैं उतनी चर्चाएँ दोस्तों शाहरुख खान की इस मूवी डंकी को लेकर भी हैं, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कौन सी क्या मूवी है बाजी मारते और क्या है दोनों मूवी चलती हैं, फिर क्या कैसे रहता है, वो सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। शाहरुख खान की स्टार की काफ़ी अच्छी खासी मूवी डंकी का पहला जो रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस फिल्म को दोस्तों 5 स्टार मिले हैं। और यहाँ पर बता दूं 2 दिन पहले दोस्तों देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी और रिव्यू वहाँ से हैं। डंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म बताया है। और उसके साथ साथ दोस्तों शाहरुख खान स्टार की जो डंकी का पहला रिव्यू काफ़ी बेहतरीन रहा है, 5 स्टार के रिव्यू मिले, जैसे मैंने आपको बताया
और आपको बता दूं शाहरुख खान इसी साल में पठान और जवान के रूप में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जो कि काफ़ी चिकाची हिट हुई थी और काफ़ी बेहतरीन रही हैं। और अब वह दोस्तों तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए तैयार हैं। और आपको लिए बता दूं शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में वनी फिल्म डंकी को 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फैंस दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी दोस्तों इंतजार के बीच डंकी का पहला रिव्यू भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ की जा रही है। जिन तो काफ़ी अच्छी खासी जोरदार तारीफ चल रही है इस मूवी को लेकर और काफ़ी डिमांड बनी हुई है। शाहरुख खान ने दोस्तों एक बार फिर से दिल जीत लिया और डंकी को मास्टरपीस बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब क्या कैसे रहता है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें डंकी के रिलीज में तो भले ही दोस्तों अभी यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम है और आपके लिए बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू को लेकर बात कर लें, काफ़ी ऑफिशियली रिव्यू हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को मिलते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। एंड जब से इसका ट्रेलर वगैरह है, जब से ड्रॉप आउट हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा मूवी है सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ किसके बारे में है, मालूम हो कि डंकी चार ऐसे दोस्त की कहानी है दोस्तों जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, इसके लिए वह डंकी का रास्ता अपनाते हैं। फिल्म फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेकर अवैध तरीके से डंकी फ्लैट से लेकर विदेश में घुसने की कहानी है और यही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी टॉपिक पर इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है और यही सब कुछ आपको हमारी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक डंकी देखी है, जो इसका ट्रेलर ड्रॉप देखो, तो उसकी काफ़ी जो तारीफ हो रही है। मूवी हमने दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इस मूवी को 5 स्टार दिए हैं और इस पर लिखा है डंकी राजकुमार हिरानी की काफ़ी अच्छी खासी मास्टरपीस है जिसने कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने यह फिल्म बनाई है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने दोस्तों इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का काफ़ी अच्छा खासा बेहद रोल निभाया एंड काफ़ी अच्छे खासे अहम रोल प्ले किया है इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। दूसरा हाफ दोस्तों जहाँ तक है यहाँ पर डंकी का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है जो कि फिल्म का फर्स्ट हाफ डंकी के लंदन तक के सफ़र के बारे में और आपको एक दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, प्यार, दोस्ती वगैरह से जोड़ते हुए वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा हाफ दोस्तों मूवी का मेन पार्ट है और जहाँ आपको ये बुरी तरह रुला देने वाली है। यह चीज़ फिल्म के दोस्तों प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में काफ़ी अच्छी खासी ऐतिहासिक रहने वाली है जहाँ तक है इसके चांस लग रहे हैं। इस पर आपको बता दूँ न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जो दो पहले इंडिया में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के लिए डंकी की स्क्रीन रखी गई थी, रिव्यू की रिपोर्ट देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने दी है और काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से मूवी हो जाती है। और आपके लिए बता दूँ शाहरुख खान को भी अपनी डंकी से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हाल ही वह इस फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भी गए थे। इस साल वह 3 बार वैष्णो देवी गए जिससे पहले 2 बार पठान और जवान की रिलीज के वक्त माँ वैष्णो के भवन में गए थे। डंकी में दोस्तों तापसी पन्नू और विक्की कौशल समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रशांत नील और प्रभास की शरार में होगी तो काफ़ी बेहतरीन इस टाइप से यह मूवी आपके लिए हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से यह मूवी आपके लिए रहेगी और आई होप आप इस मूवी का मतलब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या ये मूवी रहने वाली और किस मोड़ तक इस मूवी की कहानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही थी कहानी इस मूवी को लेकर, कुछ फैक्ट्स जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइज आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर देखने वाले हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय के बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस मूवी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, मूवी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले दिनों में इस मूवी की OTT रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म और आने वाली सैटेलाइट प्रीमियर की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिए, साथ ही साथ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका भाई मिलेगा आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। और आज की हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में।